हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ एक स्मोकी आई लुक। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ कंसीलर। कंसीलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये NYB की कंसीलर। सो इसे आप अपने डार्क सर्कल, डार्क एरिया पे अच्छे से इस तरीके से लगा के आप इसे एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे ब्लेंड कर लीजिए। कंसीलर यूज करने से जो भी आप आई मेकअप कर रहे हैं वो कलर अच्छे से खिल के आता है। लैक्मे की 9 to 5 कॉम्पैक्ट। सो अच्छे से हम सेट कर लेंगे। नेक्स्ट मैं अपने ब्राउज फिल करूंगी। सो ब्राउज को इस तरीके से मैं फिल कर रही हूँ। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं मेरे चैनल पे जो मैंने ब्राउज फिल करने का ट्यूटोरियल डाल रखा है। सो आप लोग अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो आप लोग एक बार मेरे चैनल पे विजिट कर लीजिएगा। ब्राउज को शार्प दिखाने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कंसीलर। कंसीलर को लेके आपको अपर लाइन एंड लोअर लाइन में अप्लाई करना है। उसके बाद आप इसे अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। ये करने से आपका जो ब्राउज है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर और शार्प दिखता है एंड आई मेकअप बहुत ही परफेक्ट लगता है। सो इस हैक को आप ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ये काजल। और अब हम स्टार्ट करेंगे आई मेकअप। सो लोअर आई लाइन में और अपर आई लाइन में आप लोगों को काजल लगा लेना है। आप कोई सा भी काजल ले सकते हैं यहाँ पे। देन उसके बाद हम अपर आई लाइन में हम काजल को हाफ में अप्लाई करेंगे। सो इस तरीके से आपको डार्क काजल अप्लाई करना है हाफ में। आपने जो डार्क काजल लगाया है उसे लाइट करना है। देन उसके बाद हम लेंगे ब्लैक आई शेडो और लोअर आई लाइन में अप्लाई करेंगे और हम इसे स्मच करेंगे एक पतले ब्रश की हेल्प से। देन उसके बाद मैं ले रही हूँ लाइट कलर और आपको अपने काजल के ऊपर अप्लाई करना है और इसे ब्लेंड करना है। आपने जो कलर लगाया था उसे लाइट करना है और उसे ऊपर की तरफ ब्लेंड करते जाना है। उसके बाद मैं ले रही हूँ ये लाइट येलो कलर और आपको उसके क्रीज में अप्लाई करना है। इस तरीके से राउंड वाइज हम अपने ब्रश को रोटेट करेंगे और अप्लाई करेंगे। सब हम यूज़ करेंगे फॉल आईलैसेस। तो फॉल आईलैसेस मैंने लगा लिया है। फॉल आईलैसेस की वीडियो भी मेरे चैनल पे है तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ हाइलाइटर। हाइलाइटर के लिए मैंने यूज़ किया है स्विस ब्यूटी की ब्रिक हाइलाइटर। इसे आप अपने चीक बोन, नोज़ और आप अपने ब्राउ बोन को भी हाईलाइट कर सकते हो। एंड कम्प्लीट हो जाता है हमारा ये लुक। आई होप आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। वहाँ मैं डेली एक वीडियो अपलोड करती हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉच।